विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम का सदर बाजार अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि साइबर सिटी के सबसे व्यस्त सदर बाजार में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सिंगापुर की तर्ज पर सदर बाजार को विकसित करने की बात करने वाले अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं, जिसके चलते सदर बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहक मुंह पर कपड़ा बांधने को मजबूर हो रहे हैं। सदर बाजार के दुकानदारों की माने तो पिछले एक महीने से बाजार में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। बाजार में ना तो सफाई की गई है और ना ही शौचालय की सफाई हुई है। हालांकि नगर निगम द्वारा बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों और दुकानदारों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। महिला और पुरुष शौचालयों की बात की जाए तो उन पर अक्सर ताला लटका रहता है। इसकी शिकायत भी गुड़गांव के विधायक और मेयर से की गई है, लेकिन लगता है कि निगम अधिकारी विधायक और मेयर की भी नहीं सुनते। एक तो वैसे ही काम का बुरा हाल है, ऊपर से मॉनसून शुरू हो चुका है। ऐसे में बाजार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि अगर सफाई व्यवस्था जल्दी दुरुस्त नहीं होती है तो बाजार में ग्राहक आने से भी गुरेज करने लगेंगे। नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी, सदर बाजार के क्या हालात है? क्योंकि बाजार को बताया जा रहा है सिंगापुर की तरह बनाएंगे। सदर बाजार तो सारा पिट रहा है, कोई सफाई ढंग की है, सारा गंद पड़ी है। सदर बाजार बस तो कह रहे सिंगापुर बनाएंगे। यहाँ की टॉयलेट ऐसी इसमें अंदर खड़े होने की बनी है, इतनी गंदगी है। यहाँ के रोड इतने गंदे हैं, इसकी पूछे मैं सफाई की व्यवस्था हो नहीं रही है। वैसे तो बड़ा वो करते हैं, पार्किंग बनाई है, पार्किंग के पास इतनी गंदगी है, 15 साल से गंदगी, क्योंकि रोड ही नहीं बने यहाँ पर बने। यहाँ से अब मेयर भी आया, सबसे आया कह देगी किसी ने आए तो सुनवाई करी नहीं था। सारा साल औसतन सदर बाजार के अंदर कितने लोग डेली आते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है वो ना तो महिला टॉयलेट है ना जेंट्स टॉयलेट ढंग से, ठीक है। जब लोगों को महिलाओं को यहाँ से निकलना होता है तो अभी हमने भी देखा कि जो मुँह पर कपड़ा रख के निकलती है, बदबू आती थी सर, गंदगी है, कहना मक्खियाँ आए, गंदगी आती है, बदबू, लोगों को निकलना दुर्लभ हो जाता है। और वैसे तो कमेटी के साथ गाड़ी खड़ी रहती है कमेटी साफ करने के लिए, कुछ नहीं होता, जस का सही है। बाजार तो बाजार नहीं सुधरता है, इनके बस की सुधारना है सरकार। ये सरकार जाइए 10 साल से, इन्होंने क्या काम किया बताओ? इन्होंने कोई ढंग से ना कोई टॉयलेट बनवाई है, ना कोई बाजार में सफाई है, ना कोई कुछ कहते हैं, ना लोग पब्लिक के आम पब्लिक के लिए सुविधाएं कहते हैं। जी नाम बताइए। मेरा नाम पारुल है। पारुल, आप सदर बाजार पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ना तो गंदगी है यहाँ पर और जो है महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे बहुत गंदगी है और महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट को इसको इस पर वर्क करना चाहिए। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बीच में तो प्रोटेस्ट भी हुआ था, उसकी वजह से और भी ज़्यादा गंदगी भर गई थी। फिर भी गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा गंदगी भर गई थी। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी और ये पिछले 10-15 सालों से ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। तो क्या कुछ बदलाव होने की जरूरत है? जैसे आप सदर बाजार लगातार आते रहते हैं, क्लीनलीनेस होनी चाहिए थोड़ी, और वुमेंस के लिए टॉयलेट होना चाहिए, और जो लोग स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा क्राउड हो जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लोगों को लगने का डर रहता है, तो ये होना चाहिए। सदर बाजार में आप आए हैं शॉपिंग के लिए? आए थे शॉपिंग के लिए? आए थे सदर बाजार? सदर बाजार की व्यवस्था ऐसी है कि आपको आज नाक पे कपड़ा रख के आना पड़ रहा है, या महिलाओं के लिए टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है, क्या कहेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, ये सारी प्रॉब्लम्स है सदर बाजार में, तो सरकार को इसी तरफ देखना चाहिए। हाँ वो तो करना चाहिए। एक तरफ जहां सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में बार बार सफाई व्यवस्था ठीक करने के आदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक गुरुग्राम वासियों को इस गंदगी से निजात मिल पाती है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।